फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चिकन पोस्तो। और चिकन पोस्तो बंगालीज की एक बेस्ट रेसिपी है, आलू पोस्तो, चिकन पोस्तो। तो आइए हम देखेंगे इसको सिंपल और इजी वे में हम कैसे बना सकते हैं। और लिटरली इट इज वन ऑफ द माय फेवरेट डिश। ओके, आधा किलो चिकन यानी कि 500 ग्राम चिकन बनाने के लिए मैंने 1.5 चम्मच पोस्ता दाना भिगो के रखा है। इसको और 2-3 हरी मिर्च एक साथ इसको करके मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। एक खसखस या पोस्ता का दाना पिस गया है, अब इसको हम अलग निकाल लेंगे। और आधा किलो चिकन के हिसाब से 3 प्याज को वर्टिकली पतला पतला काट लेंगे। ठीक है, प्याज मैंने कट कर लिया है पतला पतला। ठीक है, पतला पतला ये प्याज कट कर लिया है। अब चिकन पोस्तो सरसों के तेल में, मस्टर्ड ऑयल में ज़्यादा अच्छा बनता है, बट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं। मैंने रिफाइंड यूज़ किया है। जब तेल गर्म हो जाए तो 1 तेज़पत्ता ये डालेंगे। और फिर तेज़पत्ता डालने के बाद हम जो प्याज है इसको डाल देंगे। और इसको हल्का सुनहरा होने तक इसको हम भूनेंगे। ये प्याज थोड़ा सा गल गया, ठीक है, हल्का हल्का सा ब्राउन भी हो गया, मतलब गल जाना चाहिए, गल गया प्याज अच्छे से। अब इसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून डालेंगे। ठीक है, 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। और जो हमने पोस्तो पीस के रखा था पेस्ट बना के, उसको हम ऐड करेंगे। ठीक है, इसको ऐड कर लिया तो अच्छे से मिक्स करेंगे। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर हम इसमें चिकन, जो अच्छे से फ्रेश चिकन जो वॉश करके रखा है, वो हम डाल देंगे। इसको भी डाल दिया। अब हम इसको, अब इसके डालने के बाद आधा टेबल स्पून टर्मरिक हल्दी वो डालेंगे, 1/6 चम्मच गरम मसाला वो डालेंगे, और 1/2 चम्मच लाल मिर्ची। वैसे मिर्ची और नमक दोनों अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, आप जैसा पसंद करते हो तीखा वैसा डालेंगे, और नमक डालेंगे। और फिर इसको धीमी आंच पे 2 से 3 मिनट इसको भूनेंगे ताकि ये मसाले अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो जाएं। ये अच्छे से भुन गया। ठीक है, अब जब ये भुन जाएगा फिर हम इसमें थोड़ा सा, ताकि चिकन गल जाए, थोड़ा सा पानी डाल के, ठीक है, इसको धीमे आंच पे छोड़ेंगे। ठीक है, 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि चिकन गल जाए, ढक के। और इस बीच हम थोड़ी सी धनिया की पत्ती कट करके रेडी करेंगे गार्निशिंग के लिए, बिकॉज़ धनिया की पत्ती किसी भी चीज़ का फ्लेवर बहुत बढ़ा देती है। तब तक हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए ढक देते हैं जब तक चिकन ना गले, बीच में चेक कर लेंगे, धीमे आँच पर छोड़ देते हैं। ये अब मेरा चिकन बहुत अच्छे से गल गया है। आपका मन करे तो हल्का सा ग्रेवी वाला रहने दो या एकदम ड्राई कर लो, जैसा भी आपका मन करे। अब इसमें हम धनिया की पत्ती थोड़ी सी ऐड करेंगे गार्निशिंग के लिए, थोड़ी सी धनिया की पत्ती इसमें हम ऐड करेंगे। ठीक है, और अब इसको हम बंद करेंगे। बंद करने से पहले थोड़ा सा 1/4 स्पून हम गरम मसाला ऐड करेंगे। और गरम मसाला ऐड करके इसको मिक्स करके हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करके गैस बंद करेंगे और इसको ढकेंगे। गरम मसाला इसलिए ऐड किया क्योंकि थोड़ा सा एक एरोमा, खुशबू के लिए, कि बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। ठीक है, इसको बंद कर दिया। और ये आफ्टर 10 से 15 मिनट्स बाद हम इसको सर्व कर सकते हैं। और ये यम्मी सा, टेस्टी सा चिकन पोस्तो रेडी है, और इसकी खुशबू भी लाजवाब है। तो फटाफट बनाइए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और फिर नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। फिर मिलते हैं, बाय बाय, सी यू।